आज मैं यमान लहू मजमून अलजीब्रा का ये वीडियो आपके लिए पेश कर रहा हूं। अलजीब्रा का सबक नंबर एक, जिसका नाम दो मुतगयर खती मसावात है। इसके मुताल्लिक बुनियादी मालूमात, पहली दो मुतगयर खती मसावात की तारीफ। दो मुतगयर खती मसावात किसे कहते हैं? जिस मसावात में दो मुतगयरों का इस्तेमाल होता है और हर मुतगयर का दर्जा एक होता है, उस मसावात को दो मुतगयर खती मसावात कहते हैं। तारीफ ज़हन नशीन कीजिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। जिस मसावात में दो मुतगयरों का इस्तेमाल होता है और हर मुतगयर का दर्जा एक होता है, उस मसावात को दो मुतगयर खती मसावात कहते हैं। मुतगयरों को अंग्रेजी की हुरूफ़े तहजी एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह से जाहिर किया जाता है। और दूसरा, इस मसावात की तारीफ का जो दूसरा रुकन है, मुतगयर का दर्जा एक हो, दर्जे से मुराद उस मुतगयर का कुव्वत नुमा एक होना चाहिए। जिस मसावात में ये दो शर्तें पाई जाएंगी, हम उसे दो मुतगयर खती मसावात कहते हैं। दो मुतगयर खती मसावात की आम सूरत एक्स जमा बी वाई बराबर सी होती है। ये दो मुतगयर खती मसावात को इसी तरीके से इसी मसावात की शक्ल में जाहिर किया जाता है। आइए इस मसावात की थोड़ी वजाहत कर दूं। ये जो ए है और यहाँ पर ये जो बी है, ये ए और बी ये दोनों अदद है, मुस्तकिल अदद, जैसे दो तीन चार पांच, एक बटा दो, एक बटा तीन, जगह दो, जगह पांच, ये सब कीमतें इसकी हो सकती है। इसलिए ये ए और बी हकीकी अदद है और ये ए और बी में से किसी भी एक की कीमत सिफर नहीं होनी चाहिए, ना ही दोनों की कीमत सिफर होनी चाहिए। तो ये ए और बी गैर सिफर अदद ही होने चाहिए, ये इसके अंदर सबसे अहम बात है। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए और बी सिफर के बराबर हरगिज नहीं हो सकते। इसमें एक और की बुनियादी मालूमात मैं बच्चों को कुव्वत नुमा के हिसाब से बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर कुव्वत नुमा की बुनियादी मालूमात है, छोटी सी सिर्फ मुख्तसर सी मालूमात है। जैसे रूट एक्स है, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं कुव्वत नुमा में एक्स की कुव्वत एक बटे दो। इसी तरह एक बटे एक्स है बराबर, इसे हम लिख सकते हैं एक्स की कुव्वत नबी एक। ये हमें मुतगयर खती मसावात में ये सूरत मौजूद हो सकती है। अगर रूट एक्स है तो उसकी कुव्वत नुमा क्या होंगी? एक बटा दो सब कुव्वत नुमा होगा। अगर जिस मुतगयर का कुव्वत नुमा एक है, एक नहीं होगा, तो उसे दो मुतगयर खती मसावात नहीं कहेंगे। इसी तरह एक बटे एक्स है वगैरह वगैरह। आगे हम एक छोटा सा मुख्तसर सा जायजा लेते हैं दो मुतगयर खती मसावातों की पहचान पर, कि हम दो ये मालूमात हासिल करने के बाद दो मुतगयर खती मसावात को पहचान सकते हैं या नहीं। तो मेरा अब अनुमान है, जिमनी अनुमान है दो मुतगयर खती मसावात की पहचान। यहां पर मैं पहला सवाल, पहली मसावात लिख रहा हूं, जो है 4m जमा 3n बराबर 12। इस मसावात में m और n
दो मुतबय्यर है और हर एक का कुव्वत नुमा यानी दर्जा एक है, इसलिए ये दी गई मसावात दो मुतबय्यर की मसावात है। इसी तरह दूसरा सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तीन एक्स की कुव्वत दो नफी सात वाई बराबर तेरह। इस मसावात में भी दो मुतबय्यर है, एक है एक्स दूसरा है वाई, मगर दोनों का कुव्वत नुमा अलग है। एक्स का कुव्वत नुमा दो है, वाई का कुव्वत नुमा एक है, मगर एक्स का कुव्वत नुमा एक ना होने की वजह से ये दी गई मसावात दो मुतबय्यर खती मसावात नहीं है। इसी तरह तीसरा सवाल आपके सामने है, दो जजर दो एक्स नफी जजर पांच वाई बराबर सोलह। यहाँ पर भी दो मुतबय्यर एक्स और वाई मौजूद है और दोनों मुतबय्यरों का दर्जा एक है, इसलिए ये मसावात दो मुतबय्यर खती मसावात है। सवाल नंबर चार, जीरो एक्स जमा छः वाई नफी तीन बराबर सिफर। यहाँ पर जीरो दरब एक्स होता है जीरो, यानी हमारे पास में मसावा सिर्फ ये है छः वाई जमा तीन बराबर सिफर, क्योंकि इस मसावात में सिर्फ एक ही मुतबय्यर है, इसलिए ये दी गई मसावात दो मुतबय्यर खती मसावात नहीं है। सवाल नंबर पांच, चार बटे एक्स जमा पांच बटे वाई बराबर चार। अब ये दो मुतबय्यर खती मसावात है या नहीं, तो ये एक्स बटे में है जो कि चार की जरब में जाने के बाद एक्स की कुव्वत नफी एक होगा, इसी तरह वाई पांच के साथ जरब में जाने पर पांच वाई की कुव्वत नफी एक होगा। यहाँ पर दो मुतबय्यर तो मौजूद है मगर इनका कुव्वत नुमा नफी एक है, एक नहीं है, इसलिए ये दी गई मसावात भी दो मुतबय्यर खती मसावात नहीं है। सवाल नंबर छः, चार एक्स वाई नफी पांच वाई नफी आठ बराबर सिफर। इस मसावात में भी एक्स और वाई दो मुतबय्यर है, मगर यहाँ वाई को दोहराया गया है और यहाँ पर एक्स के साथ में दोनों मुतबय्यर जर्ब में है, तो ये भी एक शर्त है कि दोनों मुतबय्यर एक दूसरे की जर्ब में नहीं होने चाहिए, तो इसलिए ये दी गई मसावात भी दो मुतबय्यर खती मसावात नहीं है। सवाल नंबर सात, तीन एक्स जमा जीरो वाई नफी छत्तीस बराबर सिफर। यहाँ पर भी जीरो दरब वाई है यानी जीरो ही है, तो असल मसावात तीन एक्स नफी छत्तीस बराबर सिफर है, तो यानी यहाँ पर इस मसावात में सिर्फ एक ही मुतबय्यर मौजूद है, इसलिए ये दी गई मसावात भी दो मुतबय्यर खती मसावात नहीं है। आज का ये उन्वान दो मुतबय्यर खती मसावात यहाँ पर खत्म हुआ। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में इसके आगे के उन्वानात का हम मुताला करेंगे, जैसे दो मुतबय्यर खती मसावातों को ज़र्ब करना, तकसीम करना, जमा करना, तब्दील करना वगैरह वगैरह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।